हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं, नवरे मुबारक सारनी, नए साल की शुभकामनाएं। नवरात्रे हैं तो बनेगा टेस्टी टेस्टी फास्ट वाला खाना। मुझे लगा आज मैं भी कुछ ऐसा बनाती हूँ, तो मैं बना रही हूँ सिंगाड़े के आटे का हलवा। हम कश्मीरी में इसको गार हलवा कहते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है और खाने में तो कमाल कमाल और कमाल। जो ये सिंगाड़े का आटा होता है ना, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताती जाऊंगी। चलिए इसको बनाते हैं। इस रेसिपी के लिए मैं यहाँ यूज करूंगी 1 कप सिंगाड़े का आटा, इसे हम वाटर चेस्टनट फ्लोर भी बोलते हैं, 1/2 कप चीनी और 1/2 कप घी। घी की क्वांटिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, वैसे हलवा में जितना अच्छा घी पड़े उतना ही उसका टेस्ट अच्छा होता है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, मैं यहाँ बादाम और काजू ले रही हूँ, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और 2-3 चुटकी इलायची पाउडर। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गैस कर देंगे ऑन और इसमें डाल दूंगी मैं इसी घी में से 1 चम्मच घी और इसको गर्म होने देते हैं। घी मेल्ट हो गया है, इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। फ्लेम को हम सिम रखेंगे और इनको हल्का हल्का जो है हम भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स क्रंची हो गए हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ। सेम पैन पे अब मैं ये बचा हुआ सारा घी डाल दूंगी। घी की क्वांटिटी जैसे मैंने कहा आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, पर ये हलवा ना एकदम लजीज बनता है अगर इसमें अच्छा खासा देसी घी पड़ा हो। अब मैं डाल दूंगी इसमें 1 कप सिंगाड़े का आटा। फ्लेम एकदम सिम करनी है, क्योंकि अगर फ्लेम हमारी ज्यादा हुई तो ये आटा तुरंत ही जल जाता है। सिंगाड़े के आटा खाने के ना बहुत सारे फायदे होते हैं, ये हमारी हार्ट हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल और ये ग्लूटेन फ्री भी होता है, तो हम सिंगाड़े के आटे को तो हमें डे टू डे हमें अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करना ही चाहिए, और जब फास्ट हो तो इसको तो ज़रूर खाना चाहिए। चाहे आप इतना सारा घी ना डालें, इसकी रोटी बना लें, जो भी आप पसंद करते हैं, हलवे के फॉर्म में तो ये सबसे ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब मैं इसको बिल्कुल कम आँच पे 4 से 5 मिनट तक भूनूंगी, जब तक ये डार्क ब्राउन कलर का ना हो जाए। हलवा अच्छे से बुन रहा है, जितना हम इसको बुनेंगे ना ये उतना ही लाइट होता जाएगा और करछी चलाना बहुत आसान हो जाएगा। जब तक हमारा हलवा बुन रहा है तब तक हम साइड से क्या करेंगे, सेम कप से 2 कप पानी, अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है ना तो आप सेम कटोरी से, मैंने 1 कप आटा लिया था तो मैं 2 कप पानी गर्म कर लूंगी। लगभग 4 मिनट हो गए हैं, हमारा हलवे का कलर बहुत ब्यूटीफुली चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी ना वो अच्छी सी महक नहीं आई है। मुझे लगता है इसको 1 मिनट और देना पड़ेगा। इस तरफ हमारा पानी जो है वो गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल दूंगी चीनी। चीनी भी अगर आप कम खाते हैं तो थोड़ी कम डालिएगा, तो मिक्स कर लेंगे। बस हमें पानी में चीनी को घुला देना है, कोई सिरप नहीं बनाना है। 1-2 मिनट और हो गए हैं, इसका कलर ना बिल्कुल चॉकलेट सिरप जैसा हो गया है। आपको वही कलर वेट करना है कि जब आपके आटे का कलर जो है चॉकलेट सिरप जैसा हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे वापस से। साथ ही मैं डाल दूंगी 2 ड्राई फ्रूट्स जिनको मैंने हल्का हल्का जो है चॉप कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना पानी। पानी ना हम धीरे धीरे डालेंगे, एकदम सारा नहीं डालेंगे, क्योंकि हम एकदम सारा डाल देंगे ना तो ये हलवा लंपी बनेगा। बहुत ही इजीली बन जाता है ये, हमने हलवा बहुत अच्छे से बुना है तो इसमें बिल्कुल लंप्स नहीं बनेंगे। 2 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी वाली खुशबू आ रही है, हलवा करछी से बिल्कुल स्टिक नहीं हो रहा, ये हलवा बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, पर फिर भी हम इसको अभी 1 मिनट के लिए और भुनेंगे। ये हलवा ना बिल्कुल रेडी है, देखिए कितना ज्यादा टेस्टी बना है और बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, करछी को कुछ भी नहीं लग रहा है। अब मैं इसको निकालती हूँ सर्विंग प्लेट में। हलवा
हलवा हमारा एकदम रेडी है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। और जैसे मैं कहती हूँ, इसका टेस्ट जानने के लिए आपको इसको बनाना पड़ेगा, और जब भी आप इसको बनाएंगे आप अपने जो सारे कमेंट्स हैं मेरे साथ शेयर करेंगे। अब इस हलवे को मैं थोड़ा सा गार्निश करूंगी बचे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ। लग रहा है ना बहुत ही सुंदर। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको खूब से शेयर कीजिए और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।